फास्ट न्यूज इंडिया और आइए विस्तार से आज की खबरों का जायजा लेते हैं। इलाहाबाद में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि सभा मानस हॉल हंडिया में आयोजित हुआ। आयोजक भारतीय जनता पार्टी संगठन हंडिया, मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर राकेश दत्त पाटिल, संचालन महेश पांडे, संबोधित करने वाले शेषमणि शुक्ल, गिरधारी लाल, भारतीय ब्लॉक प्रमुख प्रेम कुमार उर्फ लले सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष डॉक्टर क्रांति तिवारी, सभासद प्रधान बीडीसी, भाजपा कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद रहे। अगर उस देश में ऐसा नाम दिया जा रहा है तो भारत रत्न से नवाजे गए परम पूजनीय हमारे जिनका आशीर्वाद होगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज 29 तारीख में हम परम आदरणीय भाई राजेंद्र पाटिल की अध्यक्षता में। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 51 पर गड्ढों ने मोटरसाइकिल सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि मृतक राजेश अपनी पत्नी प्रिया व मौसी की बिटिया रंजना के साथ मोटरसाइकिल से सवार होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर खड़ेपुर किशनी से लौटकर खुदाईगंज फरुखाबाद जा रहे थे। तभी जीटी रोड पर गड्ढों को बचाने के चक्कर में उसकी मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 3रे की मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रक को मौके पर पकड़ लिया लेकिन ट्रक ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। मीडिया से बात करते लक्ष्मीकांत गौतम, सीओ छिबरामऊ। पूर्वी बाईपास पर किटजी स्कूल के सामने एक ट्रक और एक बाइक की आपसी टक्कर से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, एक महिला घायल थी, तत्काल उसको उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। सर ये कहाँ के रहने वाले थे? ये लड़के के पास जो मृतक है उसके पास एक आई कार्ड मिला है जिसमें उसका पता जो है फरुखाबाद, खुदागंज फरुखाबाद के रहने वाले हैं, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। ड्राइवर फरार हो गया है और लेकिन जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी पकड़ी गई है। यहाँ लेते हैं छोटा सा विराम। राजेश भास्कर ने योगी आदित्यनाथ के कोटेदारी व्यवस्था को खत्म करने के फैसले का किया स्वागत। जी हां, राजेश भास्कर ने बताया कि हमारे सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ग्रामों में पहुंच रहा है और जिनके पास सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है हम चौपाल लगाकर उनको लाभ पहुंचाने और योजनाओं की जानकारी देते हैं। राजेश भास्कर जी का 100 चौपाल लगाने का टारगेट है जिसमें से अभी तक 75 से अधिक चौपालें लगाई गई। धन्यवाद गुरुशेठ पाल जी और राजप्रीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष बात तो ये है कि अभी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये बोला, ये कहा, मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही भी है कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर कोटेदारी व्यवस्था जो है वो समाप्त हो और जो भी कार्ड धारक हैं उन्हें उनके हिस्से का जो सब्सिडी जो पैसा है डायरेक्ट उनके खाते में हो, ताकि ये भ्रष्टाचारी राशन के माध्यम से गरीबों का राशन जो बाजारों में बिकता है, जो लूट होती है, उस पर काफी हद तक अंकुश लगे और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा नेक कदम है। इलाहाबाद में कर्मचारी शिक्षक अधिकारी का पुरानी पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश के बैनर तले 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का शुभारंभ तहसील हंडिया प्रांगण में हुआ। इसमें रतन कुमार प्रजापति, विनोद पटेल, अरविंद दुबे, सुरेंद्र बहादुर सिंह, माया केसरवानी आदि लोग मौजूद रहे। गया है हम लोग मिशन के तहत शांति माहौल बनाते हुए एक एटमॉस्फेयर बना करके आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन और 3रे दिन
हम लोग सभी कर्मचारी अधिकारियों को के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। बहाल जो 2004 के बाद बंद किया गया है, हम लोग बहाल करने के पक्ष में हैं। सरकार द्वारा जो एनपीएस की एक सुविधा लागू की गई है वो कर्मचारियों के हित में नहीं है। उसका पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, हम उसके पक्ष में नहीं है। वो अनिश्चितकालीन है, कहाँ जाएगा पैसा, कैसे कट रहा है, ये एक तरह से कर्मचारियों को भ्रम में डालने की स्थिति पैदा कर रही है। इसीलिए हम लोग इस धरने को सफल बनाने के लिए लगे। देखिए कि पूरे कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी, हमारे पूरे देश का कर्मचारी, पूरे प्रदेश कर्मचारी इस बात से आहत है कि हमारी पेंशन रोकी गई है। और सरकार को ये समझना चाहिए कि हमारी जो पेंशन रोकी जा रही है यह एक गलत तरीका है। उनको समझना चाहिए, इस पर उनको विचार करना चाहिए। पेंशन बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो। सफाई कर्मचारी संघ से हम लोग मिलान करते हैं, हमारी पुरानी पेंशन या सरकार नहीं, पुरानी पेंशन या दवाई नहीं बहाल होती। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ।